Look at the amazing white and view here. ये देख रहे हैं बीच में शिफ्ट है ये. Saying that he worked in the Qatar for 3 years, this guy Sayed, and 3 years in the Dubai. He worked 6 years there. Okay, and then guys, देखो यहाँ पे live दृश्य movie type का चल रहा है scene. Here the police searching some crime. Hey guys, अभी मैं हूँ बाहर होटल के और ये इतना ब्यूटीफुल पैसेज है यहाँ से. अगर आप देखोगे तो फुल ऑफ ग्रीनरी, अमेजिंग अमेजिंग जस्ट अमेजिंग. Hi guys, so finally I reached to Fort Kochi beach. So ये है beach अपना. जहाँ मैं रुका था वहाँ से 45 minutes है. Amazing. इसी पर एक plane जा रहा है, देखो इसी plane है. Amazing. And that is the vibe here. This is completely different vibe here, I would say. People are sitting, chilling, relaxing. Now let's move ahead. Full of nature, full of. भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, उड़ जाओ. जो अगर मेरे से पूछो फोर्ट कोची आने का जो परफेक्ट टाइम है, दैट इज़ द इवनिंग और द इन द नाइट. दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम. बट आई हैव ए फ्लाइट, तो मेरे को निकलना है, तो मेरे को मैं जल्दी आ गया. इट्स अराउंड 10:30. So I will spend 1 hour here and then I will go back. काफी दूर तक फैला हुआ है. Amazing. दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय ओनली एंड ओनली शिप्स के. ऑल दो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. पत्थर देखो, ये पत्थर कोई बता सकता है क्यों है? ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं तो इन पत्थरों के थ्रू वाटर ऊपर नहीं आता है. ये देखो पूरा अमेजिंग व्यू यहाँ से. और एक और चीज़ है कि यहाँ की वाइब अलग है थोड़ा सा. व्हेन यू वॉक इट हेयर, बहुत अलग वाइब है यहाँ पे, क्योंकि घरों का जो स्ट्रक्चर है अभी, जैसे देखो मुझे कितना सही लग रहा है ये घर, पूरा ऑलमोस्ट नेचर के बीच में है ये, और मस्त घर बना के रखा हुआ है. बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लहरें हैं भाई. मस्त वाइब है, मस्त माहौल है. यहाँ पे कॉर्न मिल रही है और आइसक्रीम मिल रही है. लहरें देखो भाई, और इसको देखना जरा. शिप्स भी हैं बीच में जो दिख रही हैं, बहुत सारी शिप्स हैं.
ये पूरा वॉकेबल एरिया है यहाँ पे। वॉक करते जाओ बस। समांथा प्रभु किसे को पसंद है? मुझे आई लाइक हर अ लॉट समांथा प्रभु। मजा आया और मैं ये जो मजा है और एक ये पाथवे सा बना हुआ है यहाँ पे Look at the amazing vibe and view here. ये देख रहे हैं बीच में ships हैं, ये ferry नहीं है, ships है, cargo ships जो आपको उधर भी दिखेंगे, पीछे उधर भी दिखेंगे ना, बहुत दूर दूर तक all are cargo ships। यहाँ से चलते हैं राइट में, boats भी जा रही हैं। Look at the view. मुझे लुंगी पहन के खड़ा हुआ दिख रहा है बंदा। He is a foreigner, but he adapt this tradition. It's not a game, it's a rich game. समुद्र भी अपनी अलग प्रकृति है, नेचर है। देखो जिन लोगों ने इतना गंदगी डाल के रखा हुआ है वो सब कुछ समुद्र ने बाहर फेंक दिया। वी शुड नीड टू केयरफुल ऑन दिस यार, हम इतना कुछ डालते हैं इसमें सब, वो बात अलग है, सब बाहर फेंक दिया, बट स्टिल देख रहे हो कितनी गंदगी, चप्पल पता नहीं क्या क्या डाल के रखा हुआ है। और ये क्या रखा हुआ है? कोचीन प्लम्बर्स एसोसिएशन। भैया क्या बैग रखा हुआ है, निकलो यहाँ से। और यहाँ पे देखो चाइनीज नेट, दिस इज़ वेरी वेरी फेमस चाइनीज नेट, वी कॉल्ड इट वेरी फेमस चाइनीज नेट। और ये है शॉप, अभी लग रही है। ये देख रहे हो कितनी सारी चाइनीज नेट्स हैं। और ये भाई कितनी स्पीड से जा रहा है, ये बंदा देख जरा, मस्त स्पीड से जा रहा है। ये पूरे प्रोफेशनल हैं प्रॉपर। और देखो ऊपर एक हेलीपैड भी आ रहा है, दीज कार अब हेलीपैड पर कैप्चर करते हैं। ये है सन हमारा और ये अब आ रहा है। हेलीपैड ये मॉनिटरिंग कर रहा है। लुक एट दिस ट्री गाइस, लुक एट दिस। अमेजिंग। लिखा हुआ है इस पे बॉयलर्स, स्टीम बॉयलर्स ऑफ द कैनेडियन इन कोचिन ड्राई। ओके, पीपल आर सो रिलैक्सिंग, लुक एट दिस, दिस गाय इज स्टडीइंग एंड जस्ट चिलिंग इन दिस एनवायरनमेंट, फुल ऑफ चिल एंड रिलैक्स माहौल है यहाँ पर। सी फूड रेस्टोरेंट, अगर कोई जो सी फूड खाता है उसके लिए मेन्यू है, मैं तो नहीं खाता तो मेरे लिए मेन्यू अवेलेबल नहीं है, बट जो लोग खाता है उसके लिए ये सी फूड का मेन्यू मेरी तरफ से। सिटिंग भी देखो यहाँ पे कितना मस्त है। अगेन समांथा जी, तो ये बेंच
पूरा खाली। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चिल एंड रिलैक्स है यार। यहाँ पे एक ही गनरी रखी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, और लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द 4 ml वेयर द गनरी फिटेड विद पावरफुल गन्स टू कीप इट चेक ऑन द इनकमिंग शिप वाज लोकेटेड, बिकॉज ये समुद्र के किनारे पे है इंडिया के, तो सेव करने के लिए इनकमिंग शिप से। गाइस देखो यहाँ पे लाइव दृश्य मूवी टाइप का चल रहा है सीन, यहाँ द पुलिस सर्चिंग सम क्राइम, पूरा खुदाई चल रही है जैसे केरला की मूवीज में होता है ना, पुलिस वेयर देयर एंड दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर स्पॉट, इस घर में ये सर्चिंग चल रही है। ये देखो तो जो पिक्चरों में दिखाते हो रियल है केरला के केस। People like to chill and relax, so they don't, they are not like 9-to-5 jobs guy. Am I right, Sayed? Yeah. After 6 p.m. they like to have some drink and then sleep. That's it. Simple food, simple life. No like robot life. It is a simple life. The life we live in Delhi, it's a robot life. You have to wake up at the time and then go on the office and come back. So this life is completely opposite here. You just relax, chill and relax. You wake up at your time, have your food at your time, and then once you don't want to work, then sleep. This so this is what it is. But I like it. So meet this guy Sayed. So hi guys. So this is. He is my new subscriber. So once I asked him that, he asked me that what you do, so I just said hobbily I do this blogging. So he immediately subscribed. So I like it, the first thing. The second thing is that he's very chill. This guy is very chill and relaxed. Look at him, he's smiling all the time. He is smiling and he is doing his work. Not like us. We are always tired, crying. We don't have time, but this is how it is. I'm just thinking that once I will have time, I want to stay in the Kerala for the longer time. So at least I will be. He is saying that he worked in the Qatar for 3 years. This guy, Sayed, and 3 years in the Dubai. He worked 6 years there. Okay, and then he come back because this is the normal story in Kerala. People go Gulf country 6 years, 7 years, they don't find good life, they come back. Even though, are you earning good money there or how it is exactly? Good money. You are earning good money. Just so you come back just because of that, you want some relaxation and the the better life. Yeah, better life. And but less money is fine. Less money is fine. Yeah, so great. So he choose his life above money. So guys, always remember, money is always not the priority. You should live your life every day. He is like, you know, chill and relax. He is eating food on his time, and he just now he had just, sir, can I have a 5 minutes? He wanted to have a drink tea. So even though if you are in my scenario, we will say okay, we'll go, we will not have food, we will not have drink on the time. So these things important because it's impact your health also. So all in all, I learned from him also this, that sometimes it's good to live the life. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late.
द केरला ब्लॉग इज डन एंड जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.